खबर जो आपको देते हैं जो कम से कम पॉजिटिव खबर है वो ये है कि कोरोना के 826 रैंडम सैंपल लिए गए थे जो जांच में नेगेटिव पाए गए हैं, यानी कि एक भी पॉजिटिव नहीं आया है। कोरोना पर देश में ये सबसे बड़ी राहत देने वाली खबर है, और जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन हो रहा है, जिस तरीके से लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझ रहे हैं, भले वो धार्मिक स्थल हों, गुरुद्वारे हों, मंदिर हों, कोर्ट्स हों, अस्पताल हों, मॉल्स हों, हर तरफ जो है एहतियात के कारण ही शायद ये संभव हो पा रहा है। पूजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा, 826 का नेगेटिव पाया जाना, एक तरफ ये कि एक जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, जिस प्रोएक्टिव अप्रोच से हम आगे बढ़ रहे हैं, नंबर स्टेज 2 से स्टेज 3 तक ना जा सकें, एक तो उसके लिए राहत की खबर है, और दूसरा ये उनको भी जवाब है जो ये अचंभा कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ 150-170? देखिए सचिन, दो चीज में साफ करनी बहुत जरूरी है। ये जो 826 नेगेटिव केसेस आए हैं ये कोरोना के संदिग्धों के सैंपल नहीं है, ना ही ये कोरोना की किसी देश से ऐसी यात्रा करके आए हुए लोग हैं जिनके सैंपल हैं। सरकार ने ये तय किया कि ये देखना जरूरी है कि कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो, यानी कि लोगों से लोगों में ना फैल रहा हो। उसके लिए ये किया गया कि देश के 50 सरकारी अस्पतालों के ICU में जो मरीज भर्ती हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी से हो, अगर उन्हें सांस संबंधी कोई रोग है तो उनके रैंडम सैंपल हर हफ्ते लिए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते 500 सैंपल टेस्ट किए गए थे, इस हफ्ते 300 से ज्यादा सैंपल और टेस्ट किए गए। हम ये साफ कर दें कि ये कोरोना के मरीजों के सैंपल नहीं है, ये वो मरीज हैं जिनमें ये खतरा है कि अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ तो सबसे पहले इन लोगों को हो सकता है, क्योंकि ये पहले से सांस के रोगों के शिकार हैं, बीमार हैं, इनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। ये डबल चेक रखने की कोशिश थी, और 826 जो सैंपल है उनकी जो जांच हुई वो सभी नतीजे नेगेटिव आए हैं। इसको लेकर सरकार सबसे बड़े आश्वस्त जो राहत की बात है वो ये है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन को अभी तक भारत ने रोका है, और ये जो नतीजे हैं ये एक बार फिर से इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी कि तेजी से फैलने वाला एक एपिडेमिक जिसे कहते हैं मोहल्ले गलियों शहरों में फैल रहा है। नहीं, अगर इसको उस तरीके से देखे तो उस प्रोपेगेंडा को भी तो जवाब है ना। वो प्रोपेगेंडा भले वो न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के टाइम तक जो ये छाप रहा था कि 170 है सिर्फ, कम्युनिटी स्प्रेड होगा, क्योंकि आपने अभी तक रैंडम सैंपलिंग भी नहीं की, इस कारण से आपको पता ही नहीं है। अब देखिएगा आगे क्या होगा, जो इस तरीके की मौकरी कर रहे थे ये उनके लिए भी तो एक कम से कम जवाब है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा जवाब है, और एक तरह से ये बड़ी कामयाबी भी कही जाएगी। वैसे हम ये भी अपडेट करते कि 12,000 से ज्यादा सैंपल ऐसे लोगों के भी टेस्ट हुए जिनमें कोरोना की आशंका थी, यानी कि वो कोरोना के सस्पेक्ट थे। तो अगर आज का आंकड़ा देखें तो 169 यानी 170 से कम ऐसे लोग थे जो पॉजिटिव पाए गए। तो 12,000 में 170 लोगों का पॉजिटिव पाया जाना। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।